दूध और शहद से नहाने वाली इजिप्त की रानी क्लियोपेट्रा हुस्न की एक ऐसी मल्लिका है जिन्होंने इजिप्त को अपनी खूबसूरती से एक अलग पहचान दी। कवि की कविताओं में और चित्रकार की कल्पनाओं में जाने हमने नारी के कितने मनमोहक रूप देखे होंगे, पर किसी नारी की सुंदरता क्या सिर्फ उसकी काया तक सीमित है? क्या उसकी काया को निखारने के लिए और गोरापन पाने के लिए केमिकल का उपयोग करना उचित है? बस इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं डॉक्टर दिव्या आज आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में। साथ ही साथ वेलकम करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। नमस्ते सुमिता जी, आज हम बात करने वाले हैं गोरेपन के बारे में, और शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो लेट्स सी। हाय, मैं आपका ब्यूटी मंत्रा ये प्रोग्राम बहुत देखती हूँ। मेरा सवाल है कि कोई नेचुरल रेमेडी है क्या स्किन ग्लो होने के लिए? बिकॉज बहुत फेयरनेस क्रीम ट्राई कर चुके हैं बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कोई नेचुरल रेमेडी है क्या? नेचुरल तो बहुत सारे तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे हल्दी, चंदन, नीम, मंजिष्ठा, ये सब स्किन को वाइट करने के लिए आयुर्वेद में बताए गए, या उसको गौरीकरण हम लोग कहते हैं। गौरीकरण, गौरीकरण द्रव्य, यानी जो द्रव्य आपको गोरा दिखाता है उसको गौरीकरण कहते हैं हम लोग। तो इसमें सिंपल तरीका है, एक कप दूध के अंदर पाव चम्मच हल्दी डाल के रोज ले सकते हैं। पीना है इसे? पी सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, मराठी में कहावत है पी हड़दानी गोरी जी, हो जी। आपने कहा था कि आप हल्दी लीजिए, हल्दी खाइए रोज, और उससे गोरापन आता है। दूसरा एक चीज कर सकते हैं आप, हल्दी का पाउडर पाव चम्मच और उसमें 2 बड़े चम्मच कच्चा दूध, इसको अच्छे से मिलाकर आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। पूरी तरह से सूख जाने पर थोड़े गर्म पानी से आप धो दीजिए। अगर रेगुलर ये प्रयोग करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आपका चेहरा धीरे धीरे गोरा होते जा रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब हम कोरेपन की बात करते हैं, जो इंडियन त्वचा है वो कुछ 5 और 7 के मापदंड पे आती है, तो उसका मतलब गोरापन से हमारा मतलब होता है यूरोपियन स्किन, एकदम गोरा होना। क्या इट इज पॉसिबल कि अगर हल्दी का उपयोग किया जाए तो एकदम उतना गोरापन मिल सकता है? एकदम उतना गोरापन तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वहाँ पे बर्फ गिरती है, ठंडी पड़ती है, सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा नहीं आती है, इसलिए वो लोगों को इतना टैनिंग नहीं होता है। प्लस कभी कभी एनीमिया की वजह से भी इतना ज्यादा व्हाइट स्किन दिखती है। पर अपना यहाँ का वेदर टोटली डिफरेंट है, तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो उतनी गोरी स्किन तो हमारी नहीं आ सकती है, बट हमारा जो शेड है या जो डार्कनेस है वो काफी हद तक कम होकर। मगर फिर भी अंदाजन कितना परसेंट गोरापन या कितने शेड्स लाइटर हुआ जा सकता है? 1 या 2 शेड हम लाइटर स्किन हो सकती है अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स या इंटरनली हम लोग ये सब चीजों का प्रयोग करें। जैसे एक दूसरी चीज है केसर, बहुत कॉमनली यूज होता है गोरेपन पाने के लिए। तो आई थिंक हमारी व्यूअर को पता चल गया होगा कि नेचुरल तरीकों से भी गोरापन पाया जा सकता है। हमारी एक और व्यूअर है जिन्होंने हमें एक सवाल पूछा है, तो चलिए वो देखते हैं। मेरा नाम सुनीता चौहान है। डॉक्टर साहब, और मैं आपका ये प्रोग्राम ब्यूटी मंत्रा काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, और इसमें जिस तरह से आपने ब्यूटी की समस्याओं के बारे में बताया था, मुझे भी उसी तरह से फेयरनेस क्रीम यूज़ करने के बाद एक समस्या का हो गई है, मीन्स मेरे चेहरे पर सफ़ेद धब्बे हो गए हैं। तो अब आप इस समस्या के लिए मुझे क्या उपाय बताएंगे? इसका मोस्ट कॉमनली कारण होता है फंगल इन्फेक्शन जी, क्योंकि इसमें यूज होने वाली जो केमिकल्स है उसके कारण बहुत इजीली फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा एलर्जिक स्किन रिएक्शन जी, अगर उनकी बॉडी उसको रिजिस्ट करती है तो उनको एलर्जी के तौर पे ये सब चीजें हो सकती है, तो पहले तो उनको ये प्रोडक्ट यूज करना बंद करना है। वेरी ट्रू। बट एक और रीजन, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो फेयरनेस क्रीम्स हैं उनमें काफी ज्यादा मात्रा में एक केमिकल यूज होता है जो उस पर्टिकुलर एरिया को अंदर जो मेलानिन है उसको एकदम घटा देता है, इट डेवलप्स इनटू ल्यूकोडर्मा। बराबर। तो हाउ इट वर्क्स, लाइक आप मुझे अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करके इसके अंदर बताएं। जो स्किन की कोशिकाएं होती है जहाँ से हमको पिगमेंट्स या कलरेशन मिलता है, जैसे वेस्टर्न इसमें हम लोग उसको मेलानिन कहते हैं, वैसे त्वचा को रक्त देने वाले जो कण होते हैं हमारे शरीर में, जो रक्त के अंदर कण होते हैं, उसकी कमी की वजह से भी ये चीजें होती है, जिसको हम लोग रक्त प्रसादन कहते हैं, रक्त प्रसादन आयुर्वेद में। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो आपके रक्त को प्रसादन यानी सुंदर बनाती है, आपके खून को साफ करती है। हाँ जी। जैसे कि एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड हर्ब आयुर्वेद में है बाकुची, बाकुची या जिसको हम लोग बावची कहते हैं, जो इवन ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को भी दिया जाए तो धीरे धीरे मेलानिन
रेगुलराइज होके बैलेंस होके उनकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। तो इसका प्रयोग इस पेशेंट में भी हम लोग कर सकते हैं जिसको व्हाइट पैच आ जाता है ऐसी क्रीम्स यूज करने के बाद में। सुमिता जी, आपसे बहुत सारी जानकारी लेना भी बाकी है मगर वक्त है ब्रेक का। दोस्तों, आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम देंगे, बट एक छोटा सा इंतजार, हम मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे केसर के बारे में। एक कॉमनली कहावत है या कहा जाता है ऐसे कि जो बच्चा होने वाला हो किसी अगर प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसे केसर मिला हुआ दूध दिया जाता है जिससे उसका बच्चा गोरा पैदा होता है। एकदम तो सही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आयुर्वेद में जैसे केसर जो है वो भी एक रक्त प्रसादन यानी खून साफ करने वाला और आपको गोरा बनाने वाला वनस्पति माना गया है। तो केसर के दो या तीन जो छोटी पंखुड़ियां होती है उसको दूध में मिला के अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में पिया जाए तो बच्चे के गोरे होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा पर एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोलना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि दो या तीन पंखुड़ियां या दो या तीन जो उसके पत्ते हैं वो ही यूज कीजिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म भी होती है एंड प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो लेना सही नहीं होगा। बराबर है। और दूसरा वही केसर को अगर दूध में मिला के भी अगर हम लोग फेस पैक या फेशियल्स में यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी स्किन में लाइटनेस आती है, गोरापन आता है। और दूसरा आयुर्वेद में मासानुमासिक प्रयोग यानी पर मंथ अलग अलग ऐसे वनस्पतियां बताई गई है। अच्छा। जैसे चंदन, सारीवा, मंजिष्ठा, लोध्रा, नीम, ऐसे अलग अलग मंथ में अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं जो अगर रेगुलरली 9 महीने तक यूज़ किया जाए तो भी बच्चा जो है वो काफी गोरा पैदा होता है। इसका आप थोड़ा सा हमें मतलब चार्ट के हिसाब से बताएंगे किस मंथ में क्या लेना चाहिए? ये तो बहुत टफ है क्योंकि हर एक मंथ में 10-10 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन करके उसका उकाड़ा बना के यानी कि काढ़ा बना के, तो ऐसे टोटल 100 द्रव्य है। सुमिता जी, ये जो चर्चा है काफी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपने बताया केसर का उपयोग होता है, क्या आप मुझे कुछ अच्छी रेसिपीज बताएंगे जिससे जो स्किन है वो ग्लो हो और वो जो गोरापन है वो मेंटेन रहे? जरूर, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल डेली रूटीन में बहुत पोल्यूशन हो गया है जी, ट्रैवलिंग बहुत एक्सेस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, धूप में घूमना पड़ता है तो पोल्यूशन के कारण चेहरा डार्क हो जाता है धूल मिट्टी वगैरह लगने की वजह से। तो सिंपल होम रेमेडी है जो आप घर में कर सकते हैं, क्लेंजिंग मिल्क और ये आप रेडी बना के रख सकते हैं, 15-20 दिन तक आप उसको घर में रख सकते हैं और रेगुलर इस क्लेंजिंग मिल्क का आप नेचुरल प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 2 अरीठा लेना है, रीठा जो हम लोग बाल धोने के लिए यूज करते हैं, वो 8-10 दाना चारोली आपको पता होगा, चारोली का दाना आता है जो शीरा वगैरह के ऊपर हम लोग डालते हैं, 4 मगज जो होते हैं, हाँ, तो उसके 8-10 दाने लेने हैं। उसको पूरी रात भर आपको भिगा के रख देना है जी। और सुबह उसको चटनी के जैसा बना दीजिए और उसके अंदर हनी मिला दीजिए, 2 चम्मच हनी मिला के एक छोटी सी बॉटल में उसको भर के रख दीजिए। और जब भी आप बाहर से आते हैं तो ये मिक्सचर में थोड़ा सा दूध मिला के कॉटन से उसको पूरा चेहरा पोंछ के फिर फेस धोइए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्किन का जो डार्कनेस था धूप के कारण या पोल्यूशन के कारण वो हटने लगेगा। ये तो आपने तरीका बताया क्लिंजिंग मिल्क का। एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ती है और जिसकी वजह से कालापन एक तरह से आ जाता है वो है पिगमेंटेशन या सन बर्न्स जो हो जाते हैं, उसका कोई आसान सा सोल्यूशन बता दीजिए। आसान सा सोल्यूशन तो है अम्ब्रेला, ये तो सबसे बेस्ट सन प्रोटेक्शन या सनस्क्रीन है। बट अगर उसके अगर हो गया है, हो गया है तो फिर आप उसको हल्दी और दूध, जैसे मैंने आपको बताया कच्ची हल्दी और दूध या तो केसर और दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, पर इसको अच्छे से मिला के कॉटन से आप उस एरिया में लगा लीजिए, उसको सूखने दीजिए, जब सूख जाए तो उसको धो डालिए। ये रेगुलर प्रयोग करने पर पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट हो जाएंगे और इंटरनली आप सारीवा, मंजिष्ठा, लोद्र और त्रिफला, ये 4 दवाइयों को इक्वल क्वांटिटी में लेके उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम पाउडर ले सकते हैं। सुमिता जी, जब हम बात कर रहे हैं गोरेपन के बारे में या गोरापन लाने के बारे में, तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जिससे गोरापन आ सके? बहुत ही सिंपल है, आप चंदन आदि तेल या कुमकुम आदि तेल लेकर उसको बादाम के तेल में मिलाकर उसका मसाज करिए फेशियल मूवमेंट्स में नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद में आपको स्टीम लेनी है संतरा का छाल या नींबू के छाल की या गुलाब की, उसकी स्टीम लेने के बाद में आपको सिंपल सा एक मास्क लगाना है, क्योंकि ये जो मास्क है वो आपकी स्किन के अंदर का पूरा डर्ट, कचरा, ब्लैक हेड्स, एक्ने,
ये सब का जो कचरा है उसको खींच के बाहर निकाल देगा। इसमें आपको यूज करना है मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा का जो अंदर का घर या जेल निकलता है वो, थोड़ी सी हल्दी और शहद, इसको अच्छे से मिला दीजिए और इसका आप मास्क लगा दीजिए, और जब वो अच्छे से सूख जाए तो इसको गर्म पानी के स्पंज से क्लीन कर लीजिए और आप देखिए आपका फेस एकदम फेयर होके ग्लो करने लगेगा। सुमिता जी, है तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर बताया, बट एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी, कि हम बोलते हैं आप केसर ले लीजिए, आप हल्दी ले लीजिए, इससे आप गोरे हो जाएंगे, बट आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो हमारी त्वचा की जो रंगत है उसे निखारता है? आयुर्वेद में जितने भी दवाइयाँ या जितने भी वनस्पति या जो भी चीज़ें बताई गई है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है वात, पित्त और कफ। वायु जो होता है वो ड्राई और कोल्ड इन नेचर होता है जी। तो वायु को बढ़ाने वाली जो भी चीजें होगी वो आपको ज्यादा डार्क करेगी और आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई करेगी। तो अगर आपकी डार्क और ड्राई स्किन है तो आप वायु को कंट्रोल करिए और ऑयलिंग ज्यादा बढ़ाइए आपकी बॉडी का, इंटरनल और एक्सटर्नल। पित्त जो होता है वो बहुत गर्म नेचर का होता है, फायरी होता है, तो अगर आपकी बॉडी में बहुत पित्त है तो आपको रैशेस या बॉयल्स या रेडनेस वाली स्किन होगी। तो अगर ये टाइप की आपकी स्किन है तो आपको कूलिंग हर्ब्स जैसे कि चंदन है, गुलाब है, नागरमोथा है, वाड़ा है, उशीर है, ऐसे सब दवाइयों को पानी में आप भिगो के रखिए और उसका पानी जब भी प्यास लगे तो आप पीजिए। तो आपको ऐसे पित्त वाली स्किन के लिए इस टाइप का आपको पानी पीना चाहिए। तीसरा होता है कफ टाइप की स्किन, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है पर बहुत स्टिकी होती है और बहुत जल्दी से उसमें से ऑयल सिक्रेट होता है। तो कफ का जो नेचर है वो आयुर्वेद में हम लोग स्निग्ध यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और ऑयली माना है। तो अगर आपकी वो टाइप की स्किन है तो आपको ऑयल वाले या डीप फ्राइड प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं और ऐसी दवाइयां लेनी है जो आपकी बॉडी के अंदर का ऑयल को सोख के ले, जैसे मुल्तानी मिट्टी है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, अगर आपकी कफ टाइप की स्किन यानी ऑयली स्किन है या बहुत थिक स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी का एक्सटर्नल उपयोग कर सकते हैं, और अगर माइल्ड डेलिकेट स्किन है तो आप चंदन या नागकेशर का प्रयोग एक्सटर्नली यूज करिए, और अगर आपकी ड्राई क्रैकी और डार्क स्किन है तो आप बादाम का तेल या नारियल का तेल या मलाई या दूध या केसर, इन चीजों का यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जी। जैसे कि आपने हल्दी के बारे में पूछा, तो हल्दी में एक तत्व होता है करक्यूमिन जी, और दूसरा आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं ये तिक्त रसात्मक होता है, यानी उसका जो रस होता है वो तीता यानी तिक्त रस होता है। और जितने भी तिक्त रस वाली वनस्पतियां या खाने की चीजें जैसे परवर है, तुरई है, ये सब जितनी भी तिक्त रस वाली चीजें होती है, ये सब आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में मदद करती है क्योंकि ये पित्त को शरीर में कम करती है। इसलिए हम लोग हमेशा हल्दी को स्किन के साथ जोड़ते हैं। अच्छा। उसके रस के कारण यानी कि उसका जो टेस्ट है तिक्त, हाँ, उसका जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट जो है तिक्त रसात्मक, रसात्मक, उसके कारण हम लोग इसको हमेशा स्किन की डिसीजेस में यूज करते हैं। और दूसरा इसका यूज होता है डायबिटीज में, डायबिटीज जैसे डायबिटीज के पेशेंट है जिनको स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, इनको स्किन में इचिंग, रैशेस, एलर्जी बहुत होती है, तो हम लोग सिंपल प्रयोग बोलते हैं हल्दी और आंवला जी। पाव चम्मच हल्दी में आधा चम्मच आंवला पाउडर मिला के अगर एवरीडे, इवन नॉर्मल लोग भी लेते हैं, तो आपको नेचुरल रसायन यानी कि स्किन को जो टॉनिक चाहिए वो आपको मिलेगा और आपकी स्किन रेगुलर बेसिस पे रिजुविनेट होते रहेगी और आपकी स्किन को ग्लो आएगा। विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे उस आंवला से और हल्दी से मिलता रहेगा, जिसको हम लोग आयुर्वेद में धात्री निशा कहते हैं। धात्री निशा, धात्री यानी आंवला और निशा यानी हल्दी। ओके, आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी आज हमें आपने दी है। इट वॉज मोर रिलेटेड टू आयुर्वेदिक कंटेंट बट इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज की चर्चा का अगर मैं एक छोटा सा सारांश अगर आपको बोलूं तो वो ये है कि व्यक्तित्व का दायरा सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान की त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है, खूबसूरती की परिभाषा उससे काफ़ी उठकर है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ब्यूटी रिलेटेड कोई सवाल या कोई क्वेरी हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 02266910096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट ऑलवेज रिमेम्बर, सावधान रहें, सुंदर रहें।